नमस्कार, सीजी न्यूज प्रेस 24 में आप सभी का स्वागत है। सवाल तो पूछे जाएंगे कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के तीनों मंडल के युवा मोर्चे के कार्यकर्ता जिला भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विधायक कार्यालय से विधायक निवास तक शराब की बोतल के साथ पैदल मार्च निकालकर कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद के निवास का घेराव करके उनसे जवाब मांगा कि आपने गंगा जल लेकर के कसम खाई थी कि पूर्ण शराबबंदी करेंगे, 25 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों को एक मुश्त 2 साल की बोनस और 25 रुपये में धान खरीद करके एक मुश्त रकम देंगे। सवाल, भारतीय जनता पार्टी जिले के महामंत्री प्रमोद जैन और युवा मोर्चे के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने विधायक से सवाल पूछा गया, जिस पर कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद द्वारा तत्काल ही उनको जवाब दिया गया। छत्तीसगढ़ जिला वालों से अरुण उपाध्याय की खास रिपोर्ट देखते रहिए इसी न्यूज़ पर। जनता पार्टी के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ में ये तय हुआ है युवा मोर्चा के द्वारा कि कांग्रेस सरकार के 2.5 वर्ष होने के पश्चात सवाल पूछना है। और जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, गंगा जल लेकर की कसम खाया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, इस बात को हम विधायक को बताने आए थे कि आप जो वादा किए थे आपके घोषणा पत्र में जो है कि पूर्ण शराबबंदी करेंगे, उसको पूर्ण शराबबंदी करें, बेरोजगारों को 2500 रुपया भत्ता दें, और जो आपके घोषणा पत्र में है किसानों को 2500 रुपये में धान खरीद करके 2 वर्ष का बोनस एक मुश्त देंगे, इस बात को हमने विधायक को बताया है कि आपने जो घोषणा किया उसको पूरा करें। इस बात को लेकर के आज जिला भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विधायक निवास का घेराव करके विधायक से सवाल जवाब किया है कि 2.5 वर्ष हो गया है, जवाब तो विधायक जी आपको देना पड़ेगा, जो आपने वादा किया है, जो आपने घोषणा पत्र में दिया है उसको पूरा करें। इस बात को लेकर के हमारे युवा मोर्चा के साथी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज विधायक निवास को घेराव किया और विधायक से सवाल जवाब किया है कुंवर सिंह निषाद जी गुंडरदेही से। 2018 के घोषणा में अभी जो वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है, जितना भी घोषणा किया गया था शराबबंदी से लेकर बेरोजगारी के बारे में, हमारे महिला स्व सहायता बहनों के बारे में, किसानों के 2 वर्ष के बोनस के बारे में, अभी तक मुझे देखने को मिल रहा है कि कोई भी घोषणा पूर्ण नहीं हुआ है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी जिला बालोद, युवा मोर्चा और पूरे मोर्चा के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है और इस बात का संदेश घर घर तक पहुंचना चाहिए। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तन मन धन लगाकर ये कार्य शुरू किया है। आज हमारे प्रदेश के युवा मोर्चा के द्वारा तय प्रोग्राम के तहत जहां के स्थानीय विधायक से युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता जाकर शराब की बोतल भेंट कर उनसे शराबबंदी की, पूर्ण शराबबंदी की मांग किए हैं। इसी मांग को लेकर हमारे युवा मोर्चा के ज्येष्ठ कार्यकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता विधायक जी का घेराव किए और उनसे वार्तालाप किए। धन्यवाद। मैं पूछा, झूठ मत बोलिए, झूठ की जो सरकार आप पिछड़े केंद्र में, आप बोले एक वीडियो दिखा दी गंगा जल कसम खाते के शराब बंदी किया था, पसली किया था। बंदी करने का आप बोल रहे हैं उसका जवाब है, और आपने एक मिनट नहीं, आप बोल रहे हैं नहीं, झूठ मत बोलिए। आप मेरे पास आके आप सही बात बोलिए, शराब बंदी की बात जो कही थी अलग है, गंगा जल की कसम हुई थी कर्ज माफी को लेकर, आपके पास अगर वीडियो नहीं है तो मत बोलिए। लोगों ने कहा था, आप हमने कहा था शराब बंदी होगी, किसानों का कर्जा माफ होगा, किसानों का 11,000 करोड़ हमने कर्जा माफ किया है, शराब बंदी घोषणा हुआ था, लेकिन घोषणा भी 5 साल है हमारे पास, 5 साल है, 3 साल तो लगे, 5 साल हमारे पास। हम निवेदन करने आए हैं, जो आपने घोषणा किया है वो हम करेंगे, आपको क्या, वो हम करेंगे। 2.5 साल आपका हो गया है, वो हमारी चिंता है, आपकी चिंता नहीं होनी। आप अपने सरकार को बोलिए 100 रुपये का पेट्रोल बोलिए, डीजल चावल में उसको बोलिए, 8 रुपये गैस उसको बोलिए, उसमें क्या जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग, ये बताइए। घटाया जा रहा है, आप बताइए 16 रुपया वैट लगा प्रति बैरल, देखिए आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मेरे की कीमत दिखाई बैरल का। 2.5 साल हो गया कांग्रेस की सरकार को आज, और इन 2.5 सालों में हमने जो जनता से 36 वादे किए उसमें लगभग 24 वादे पूरे हो चुके, और भाजपा को ये विकास नहीं दिख रहा है, ये अंधभक्त हैं, ये चाह रहे हैं कि सरकार जिस हिसाब से जनता के सुख दुख के लिए काम कर रही है, जनता के साथ मिल के काम कर रही है, विकास का काम कर रही है,
छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, जो आज इस संपूर्ण संक्रमण के समय, लॉकडाउन के समय, जब बेरोजगारी और भुखमरी पूरे देश में चरम पर थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में जनता कि जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, जिनकी इलाज की जिम्मेदारी सरकार ने ली थी और बखूबी उसका निर्वहन किया है। और ये आज जो पूर्व में 2003, 2008 और 2013 के घोषणा पत्र को पहले देखे, जिन्होंने 2100 समर्थन रुपया में धान लेने की बात की थी और 300 रुपये बोनस देने की बात की थी, और वो आज हमसे सवाल करते हैं कि आप 2500 रुपये समर्थन मूल्य धान खरीद को 4 किस्त में क्यों दे रहे हैं। ये व्यवस्था है, हम दे रहे हैं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं, ये कभी दिए नहीं है। तो मैं सोचता हूँ इनको सवाल पूछने का हक भी नहीं है। और साथ ही एक समय जब 63 रुपये पेट्रोल था, 53 रुपये डीजल था, 436 रुपये गैस सिलेंडर था, तो इन्होंने पूरा सर उठा के रख लिया था। और आज 1000 रुपये के आसपास गैस के दाम, 100 रुपये पेट्रोल के दाम, 54 रुपये डीजल के दाम, आज इनकी आंखें क्यों नहीं खुल रही? आज इनको जनता के प्रति क्यों ऐसा ये नहीं दिख रही है? तो मैं इनसे सवाल पूछता हूँ कि पहले जाकर मोदी से पूछे, केंद्र सरकार से पूछे कि बढ़े हुए खाद्यान्न तेल, रसोई गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम कम करें और जनहित में निर्णय लें और इसे वापस करें। ये हम चाहते हैं।